वेलकम बैक पार्ट 30 में आपका स्वागत है। और एक नया कंसेप्ट लेके इस क्वेश्चन में आया हूँ मैं। डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इफ़ AP इज इक्वल टू 4914 एंड लास्ट टर्म इज 254। पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है 254, और जो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हो, देख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, राइट। और आपको n ढूंढना है, सॉरी n नहीं ढूंढना है, आपको क्या बोला है, 10th टर्म ढूंढना है। इट मींस n की वैल्यू आपके पास 10 है और आपको a10 ढूंढना है कितना आएगा, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास दी हुई है 10, 10th मतलब 10वें नंबर का, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और 10वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, कौन सी वैल्यू होगी, वो भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है लास्ट, ठीक है, मतलब आपको पीछे से 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको ढूंढने के लिए बोला गया है। तो थोड़ा सा आप माइंड लगा लीजिए अपना। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि आपको जब भी पीछे से बोला जाए ढूंढने के लिए, तो a n a-n-1 × d करना है। यहाँ पे a n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो अगर हम पीछे से काउंटिंग करें तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो मैं l लिख लेता हूँ माइनस n-1 × d। अब an मुझे कौन सा ढूंढना था, a10 ढूंढना था, तो मैं लिख लेता हूँ a10 इज इक्वल टू l मेरा कितना था 254 माइनस n की वैल्यू मेरे पास थी यहाँ पे कितनी थी 10 थी, 10-1, और d मुझे मिला हुआ था कितना 5। अब a10 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम लास्ट से ढूंढ रहे हैं। अब ये 254 माइनस 10-1 9 × 5, a10 इज इक्वल टू 254 माइनस 9 × 5 = 45, a10 इज इक्वल टू 254 माइनस 45, आप देख सकते हो 14, 9 बचेगा 402 209। मतलब पीछे से आप काउंटिंग करोगे तो 10वें नंबर पे 209 नंबर आएगा। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है इसका कि क्या करना है, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन देख लिया और फिर शुरू हो गए कि हमें ए मिल गया, डी मिल गया और ए टेन ढूंढना है, तो आप फिर जैसे करते हो वैसे ही करना है। आपको एक बार देख लेना है कि पीछे से टर्म ढूंढना है या फिर हम जैसे करते हैं वैसे ही टर्म ढूंढना है। मिलते हैं पार्ट 14 के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।